इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं यूनिट डिट के बेस पर, जिसको देखने के बाद आप गारंटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं यूनिट डिट के बेस पर सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे आप बहुत ही आसानी से। लेट्स बिगिन। मैंने बहुत बार एक बात अपनी क्लासेस में नोटिस की है, अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं 122 की पावर अगर 15 दे रखी है तो मैं इस एक्सप्रेशन की अगर यूनिट डिट निकाली हो तो कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स पता क्या बोलते हैं, सर जो इसके ऊपर पावर लिखे ना 15 उसको डिवाइड कर दो आप 4 से, 4 3 12, रिमाइंडर आएगा 3, तो जो 2 की पावर 3 होएगी, जैसे कि 2 की पावर 3 होती है 8, तो हम अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे 122 की पावर 15 को तो इसके यूनिट डिजिट पे भी आएगा 8। अगर मैं पूछता हूं ऐसे क्यों हुआ, वो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें ये तो नहीं पता क्यों, मगर किस क्वेश्चन को करते ऐसे हैं, इस क्वेश्चन को हम करते तो ऐसे ही है, तो 100% ट्रू है, मगर ऐसे क्यों करते हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे। कोई भी चीज रटेंगे नहीं, सारी की सारी चीज समझते हुए चलेंगे, ताकि आने वाले टाइम में अगर आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ पाए तो आप लॉजिक से कर पाओ, ना कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक आपको पता हो, साथ में कंसेप्ट भी पता होना जरूरी है। अब सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि जो हम पावर लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखी थी यहां पे 15, तो हम इसको 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। देखो ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहां पे 2 की पावर 12 तक के आंसर लिख दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 11 होता है 2048, तो ऐसे 2 की पावर 12 होता है 4096। आपने एक बात नोटिस करी, 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 6, और 2 की पावर जैसे ही 5 आया यूनिट डिजिट रिपीट हो गई। देखो जो यहां पे आ रही थी, जो 2 की पावर 1 पे आ रही थी वो 2 की पावर 5 है, जो 2 की पावर 2 पे आ रही थी वो ही 2 की पावर 6 पे है। देखो आप देख सकते हो 2 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट 4 थी, 2 की पावर 6 पे भी यूनिट डिजिट 4 आई, 2 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट है 8, वो ही 2 की पावर 7 पे है, और जो 2 की पावर 4 पे थी वो ही 2 की पावर 8 पे है। अगेन 4 के बाद 8 के बाद जैसे ही हम 9 पे पहुंचे, 9 के बाद फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो गई, जो 2 की पावर 1 पे था वो ही यूनिट डिजिट 2 की पावर 9 पे भी है, जो 2 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट था वो ही 2 की पावर 10 पे भी है, देखो 4 और 4, जो 2 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट था वो ही 2 की पावर 11 पे है, जो 2 की पावर 4 पे था वो ही 2 की पावर 12 पे है। तो आपने एक बात समझी, 4 के बाद पेयर के बाद 4 पावर के बाद, जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 के बाद हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है, सारी यूनिट डिजिट में नहीं होगा, मैं अभी 2 की बात बता रहा हूं, तो आपको बात समझते चलना साथ साथ जो मैं बात बता रहा हूं आपको, 4 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है, अगेन 4 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है। तो आपने एक बात देखी, अगर हमने लिखा था यहां 15, मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा था 122 की पावर 15, तो हमने 15 को डिवाइड इसलिए 4 से करा, 15 को डिवाइड हमने करा 4 से, 4 3 आया 12, रिमाइंडर आया 3, तो मैंने आपको एक बात बताई, जो 2 की पावर 3 पे है वो ही 2 की पावर 15 पे होगा, जो यूनिट जी 2 की पावर 3 पे आई है वो ही 2 की पावर 15 पे आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 2 की पावर 1 पे है वो ही 2 की पावर 9 पे दिख रही है ना आपको, अगर 9 को डिवाइड करूं मैं 4 से, 4 2s आया 8, रिमाइंडर अगेन 1 आ गया, तो जो 2 की पावर 1 पे है वो ही 2 की पावर 9 पे आएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर 96 की बात करें, 2 की पावर 96 पे बात करें, तो हम क्या करते हैं 96 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 2s आ गया 8, 16 अगेन 4 पे गया 16, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब हमारा रिमाइंडर नहीं बच रहा, रिमाइंडर ना बच रहे हो तो हम क्या करते हैं, जो 2 की पावर 4 पे है वो ही 2 की पावर 96 पे यूनिट डिजिट होगा। आपको ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि ऐसे क्यों, जो 2 की पावर 4 पे था 16, यूनिट डिजिट था 6, वो ही 2 की पावर 8 पे है 6। देखो ऐसे क्यों, 8 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से, 4 to the 8, जहां रिमाइंडर ना बचे तो वो 4 पे जाएगा, 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 8 यूनिट डिजिट 6, 2 की पावर 12 यूनिट डिजिट 6, मतलब वो नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं या फिर 4 के मल्टीपल हैं उसका यूनिट डिजिट वो होगा जो 2 की पावर 4 है। अभी ये बात समझना, मैं अभी 2 की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आपने ये बात समझी कि हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, कि हर 4 पावर के बाद, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, कोई भी डिजिट हो, 4 पावर के बाद रिपीटेशन हो जाती है। अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो मैं एक बार दोबारा से पॉइंट क्लियर कर देता हूं, 7
7 के केस में. अब आप देखो यहां पे 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7, 7 की पावर 2 यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1. जैसे ही पावर 4 खत्म होती है, जो 7 की पावर 1 है वही 7 की पावर 5 का यूनिट डिजिट है. आप देख सकते हो जो 7 की पावर 2 है वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 6 का है, जो 7 की पावर 3 का है वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 7 का है, जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 4 है, देखो ये 4 का मल्टीपल आ गया, वही 7 की पावर 8 का है, 8 भी 4 का मल्टीपल है. जो 7 की पावर 9 का यूनिट डिजिट है वही 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है, जो 7 की पावर 10 का यूनिट डिजिट है वही 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट है, जो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है वही 7 की पावर 11 का यूनिट डिजिट भी है, 7 की पावर जो 12 का यूनिट डिजिट है मतलब कि 1 वही 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट है. आप देख सकते हो 12 जो है 4 का मल्टीपल है, 4 3 आता है 12, तो आप ये देख सकते हो जो पावर 4 का मल्टीपल है उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 4 का है वही 7 की पावर 12 का होगा, क्योंकि 12 4 का मल्टीपल है. आप ये बात समझ आ गई होगी कि हर 4 के पावर, हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन हो रही है, तभी जो ऊपर पावर लिखी होती है हम 1784 इसको डिवाइड करके देखते हैं हम 4 से. आपको एक बात समझ आ गई होगी कि 4 का लॉजिक क्या है. ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम एक और कांसेप्ट समझते हैं. जैसे कि आपको पता है 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, और इसी तरीके से 2 की पावर 4 होता है 16, देन अगेन 2 की पावर 5 से यूनिट डिजिट रिपीट होनी शुरू हो जाती है. आपको एक बात पता है, अगर मैं लिखूं 12 की पावर 1 कितना आएगा 12 की पावर 2 कितना आएगा 144, 12 की पावर 3 आएगा 12 मल्टीप्लाई 12 आ गया 1728, और इसी तरीके से 12 की पावर 4 20736. मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से आपको करके दिखा दिया ताकि समझने आपको आसानी हो. आपने एक बात समझी, जब 2 की पावर 1 था यूनिट डिजिट 2 था, ऐसे 12 की पावर 1 पे भी यूनिट डिजिट 2 है, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 12 की पावर 2 भी यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8, और ऐसे ही 12 की पावर यूनिट डिजिट पे 8, और 2 की पावर यूनिट डिजिट 6, और ऐसे ही 12 की पावर भी यूनिट डिजिट 6. अगर मैं यहां पे लिखूं 312 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, 312 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, और 312 की पावर अगर मैं 3 कर दूं तो यूनिट डिजिट तब भी 8 आएगी, और 312 की पावर अगर 4 कर दूं तब यूनिट डिजिट 6 आएगी. आपने एक बात समझी यहां पे, अगर हमें कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का या 4 डिजिट का या 5 डिजिट का, कितने भी डिजिट का नंबर हो, आपने ये देखना है कि उसके यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है. अगर यहां पे यूनिट डिजिट पे 2 लिखा है, उसके बाद यहां 10345 कुछ भी नंबर लिखा हो, आपने सिर्फ ये देखना है यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है. और उसके बाद दूसरी बात देखने वाली ये है, उसका आपने ये देखना है ऊपर पावर क्या दे रखी है. तो आपको यहां पे एक बात समझ आ गई होगी, जो 2 की पावर 3 पे आंसर होगा यूनिट डिजिट ऐसे 8 होगी, वही 53212 की पावर अगर हम 3 करेंगे इसकी भी यूनिट डिजिट 8 होएगी. तो आपने ये बात समझी यहां पे, अगर वो हमें सिंगल डिजिट का नंबर लिख रखा हो या फिर 5 डिजिट का नंबर लिख रखा हो, आपने देखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट और उसके ऊपर पावर. तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहां पे 2 की पावर 3 बन जाएगा, उसके बाद हम यहां पे लॉजिक लगाएंगे अपना 4 से डिवाइड करने के लिए. 3 तो पहले ही 4 से छोटा है, तो हम यहां पे 2 की पावर 3 जो होता है यूनिट डिजिट 8, मतलब इसका आंसर 8 हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने ये समझा कि कोई भी नंबर लिखा हो, हमने देखना क्या है, उसकी यूनिट डिजिट देखनी है. नंबर चाहे 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, हमने सिर्फ देखनी यूनिट डिजिट, उसके बाद देखनी है पावर. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी आने वाली वीडियो के अंदर. अब मुझे सबसे पहले आप एक बात बताओ, मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास कितने डिजिट है? हमारे पास डिजिट 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट है हमारे पास जो यूनिट डिजिट पे हमारी हो सकती है मैथमेटिक्स के अंदर. सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं, यहां पे 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा. आप देख सकते हो जैसे कि ऐसे ही 5 की पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 की पावर 1000, 5 की पावर 2000, 5 की पावर 3125, 5 की पावर 3126, कुछ भी दे रखा हो यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आएगा. आपने यहां पर देख रहे हो कि यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आ रहा है. और ऐसे ही इसी तरीके से 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर 1 2 3 4 5 6, 1,512,915, कुछ भी दे रखी हो, कोई भी पावर दे रखी हो मैं 6 की, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा. इसी तरीके से इन तीनों डिजिट के अलावा एक और डिजिट है जो कि है 0, उसकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा. तो आप ये बात बोलते हो
10 डिजिट में से हमारे को 3 डिजिट पता लग गई जो कि है 0, 1, 5 एंड 6. ये चार ऐसी डिजिट हैं, इनके ऊपर पावर कुछ भी लिखी हो इनकी यूनिट डिजिट पे सेम नंबर आएगा. ऐसे कि 0 के ऊपर कुछ भी पावर लिख रखी हो आंसर 0 ही आएगा, मतलब कि यूनिट डिजिट 0 ही आएगा. 1 के ऊपर कुछ भी पावर लिख रखी हो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा. 5 के ऊपर कुछ भी पावर लिख रखी हो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा. इसी तरीके से 6 के ऊपर कुछ भी पावर लिखी हो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा. आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं 4 और 9 का केस. आपने एक बात देखी 4 और 9 के केस में दो ही डिजिट होती है हमारे पास, या तो वहां पर डिजिट होती है ऑड डिजिट या तो वहां पर डिजिट होती है इवन डिजिट. या तो पावर में मतलब जो मतलब पावर में मतलब कि या तो 1 होगा 2 3 4 जो भी नंबर होगा या तो वो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा. ठीक है ना, आपने बात समझी. जब 4 की पावर 1 था ऑड नंबर पे पावर 4, ऑड नंबर पे यूनिट डिजिट 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 4. जैसे ही 4 की पावर अगर ऑड है यूनिट डिजिट हमारा 4 आ रहा है. आपने एक और बात देखी यहां पे, जैसे ही पावर इवन है 4 की पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट 6 हो गया. 4 की पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट 6 हो गया. 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट 6 हो गया. 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट 6 हो गया. 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट 6 हो गया. तो 4 की पावर या तो ऑड नंबर होगी या 4 की पावर इवन नंबर होगी. वहां पर सिर्फ दो ही केस बनते हैं. अगर 4 की पावर अगर आपको दिख जाए ऑड नंबर तो यूनिट डिजिट पे आपने लिखना है 4. अगर आपको 4 की पावर इवन नंबर दिख जाए तो यूनिट डिजिट पे आपने लिखना है 6. ठीक है ना, ये बात समझ आ रही होगी. इसी तरीके से 9 का भी केस है. 9 के केस में क्या करते हैं, 9 के केस में 9 की पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट पे 9, 9 की पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट पे 9, 9 की पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट पे 9, 9 की पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट पे 9. इसी तरीके से 9 की पावर अगर इवन नंबर यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट 1, और इसी तरीके से 9 की पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट 1. तो 9 के केस में क्या होगा, अगर ऑड पावर है 9 के ऊपर, अगर 9 के केस में ऊपर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 9. और इसी तरीके से अगर 9 के ऊपर पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1. इसी तरीके से हमने सारे के सारे जो डिजिट्स हैं उसके ऊपर पावर कुछ भी हमने निकालना सीख लिया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आई तो इस वीडियो को आप उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें जो स्टूडेंट्स एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि एक भी स्टूडेंट ऐसा ना रह जाए जो सिर्फ पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहा. थैंक यू सो मच.